के मैदान में कदे ना हार दे ओ यार कोने अटकल दे हे ओ उच्चे से विचार सच्ची नींद पक्के यार गदे पीट वाचे वार कोने कर दे उच्चे से विचार सच्ची नींद पक्के यार गदे पीट वाचे वार कोने कर दे रियास इब्राहिम ये बाल्टी कहाँ से ला रहे हैं नचली नहीं तेरा भुप्पा बैठा है अबे दोपहर उठ जा दोपहर हो गई चलो दुश्मनों को मार दिया था मैंने तुम आगे हम मुझे मारेगा तू अभी बता रहा अबे यार 5 मिनट सो जान दे खत्म करके आ रहा अबे यार बचपन से सपना है मेरा एक आर्मी में जाने का आर्मी में जाने का नीचे चले जा मैं बुला रही मैं दलिया दुकान से जाएगा तो मकत के सुन आर्मी में फिट लोग जावे तेरे जैसे सुलसुले ना जाते तेरे कहेगा कहीं से भी बढ़ रहा चल खड़ो नीचे चल तू चल दुबेर भाई आ रहे गए जल्दी आओ देखो न्यूज़ पे क्या आ रही है कि जम्मू कश्मीर को अब अलग अलग हिस्सों में बांट लिया गया है 370 अनुच्छेद सिवाय खंड एक के अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू नहीं होगा अरे 370 है क्या ऐसा कौन सा महान काम हो गया अरे क्या बताऊं भाईजान महान काम तो मेरे दादाजी और नाना जी ने किया था ऐसा क्या गजब हो गया भाई तेरे नाना ने क्या कर दिया अरे क्या बताऊं जनाब मेरे दादाजी नाना जी अपने टाइम के शूरवीर कहलाए जाते थे मेरे दादाजी तो जेल चले गए और मेरे नाना जी उन्होंने आजादी के टाइम पे अपनी जान दे दी थी अच्छा जी वो कैसे अरे भाईजान मेरे दादाजी बहुत रंगीन मिजाज के थे बहुत रंगीन मिजाज के एक दिन क्या हुआ मानसून का सीजन चल रहा था दादाजी का मूड बना पड़ोसन छेड़ दी और क्या बात बताऊं पुलिस आई उन्हें उठा के ले गई पर साला आज तक बाप छोड़ के गई इसमें कौन सी आजादी की लड़ाई आ गई भाई ओहो भाईजान अरे दौर चल रहा था ना आजादी का इसे छोड़ और तेरे दादाजी अरे चंद्रशेखर आजाद सिंह जी के साथ होंगे तो गांधी जी के साथ होंगे क्या बताऊं भाईजान गांधी जी का आंदोलन चल रहा था भाई मैं बोल लिया था गांधी जी के साथ देश के नारे गांधी जी का आंदोलन चल रहा था आंदोलन में जाने के लिए जैसे ही नाना जी बाथरूम में घुसे उनका पैर फिसला और पहली फोर सत्र कट लिया इब्राहिम तू इसे मार रहा है मैं मार दूं मैं देख रहा मैं कर रहा इसका काम अरे भाई 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 रुक जा यार क्यों लड़ रहे यार तुम फारूक भाई जी ना जनाब बताइए जरूरी हो जुबैर भाई वो फारूक भाई का फोन आया था वे कह रहे थे कुछ जरूरी काम है और मिलना है चले अरे यार मैं नहीं आऊंगा यार तू जानता है यार फारूक भाई से अपनी बनती नहीं चलो तुम लोग होके आ जाओ बता देना जैसा भी होगा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे तो कुछ जरूरी होगा अच्छा चलो फिर हम सारे के सारे चल देते हैं बताते हैं आके फिर क्या होता क्या नहीं चल तेरे लिए ऐसा काम लाए ना तेरा जी खुश हो जाएगा अरे फारूक भाई ने ऐसा काम दिया है ना चुटकी बजाते हुए पैसा आएंगे चुटकी बजाते हुए रियाज भाई बताओ तो सही काम क्या है जुबैर भाई तुम्हें तो पता ही है हमारी 370 हट चुकी है तो हम सबके साथ फारूक भाई के पास गए थे वो ही बहुत गुस्से में थे उन्होंने एक तरकीब बताई है जिससे थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और हमारी कश्मीर भी आजाद हो जाएगा हमें बस आर्मी पर पत्थर मारने हैं अबे पागल हो गया तू तुझे पता भी है 370 क्या है तुझे मालूम है हमें 370 से कितना खतरा है अब तू बताएगा मुझे 370 क्या है मैं बताता हूँ 1947 से लेकर कश्मीर भारत से अलग रहा यह है तेरा 370 केसर के बागों में AK-47 उगाई गई यह है तेरा 370 15 अगस्त की आड़ में हमारे तिरंगे फाड़े गए यह है तेरा 370 ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि 15 अगस्त से पहले ही हमारा कश्मीर इन 370 जैसी बेड़ियों से आजाद हो रहा है
जो देश जो सैनिक हमारे लिए कुछ एक अच्छा स्टेप उठाने जा रहे हैं और तुम जैसे लोग कुछ पैसों के लिए उन पर पत्थर मारने जा रहे हो। शर्म करो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। मुझे माफ करें इब्राहिम भाई, ये देश मेरा है और मैं इस देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जुबैर भाई आप सही बोल रहे थे, हमें 370 का मतलब ही नहीं मालूम। हम बस कुछ लोगों के बहकावे में आ गए। हम ये भूल गए थे हिंदुस्तान भी हमारा है और कश्मीर भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। इसलिए आज हम सब कश्मीर की आज़ादी की खुशी के लिए हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अच्छे से जानता था दोस्तों तुम लोग जरूर आओ, तो फिर साथ में मनाते स्वतंत्रता दिवस।